Welcome back. So today our topic for discussion is interest on capital. हम लोग ये discuss करने वाले हैं कि capital पर हम interest कैसे निकालते हैं. हम interest on drawings भी discuss करेंगे. तो first we'll take interest on capital. अब आप कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाला है, हमने पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उसके बाद वी हैव मेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आल्सो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने कर लिया है. बट फिर भी कुछ इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, वो हमें थोड़ी से समझने पड़ेंगे. अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहाँ पर निकालना भी था, वहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. अभी थोड़े से हम ये देखेंगे कि जब थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है और पार्टनर्स अपनी कैपिटल बार बार बदल रहे हैं, है ना, साल के शुरू में कैपिटल थी पर बाद में और वो इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर बाद में कुछ पैसा निकालते हैं, तो कैपिटल्स चेंज हो रही हैं, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब हम एक केस देखते हैं, बड़ा सिंपल सा केस है कि ए पार्टनर है. अभी एक पार्टनर्स की बात करते हैं, जैसा एक पार्टनर के लिए निकलेगा वैसा सभी के लिए निकलेगा. इस पार्टनर की 1 अप्रैल 2019 को सपोज 60,000 कैपिटल थी और फिर इस पार्टनर ने 1 अक्टूबर 2019 को बिजनेस के अंदर 10,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई. ये है उसकी एडिशनल कैपिटल, ये 10,000 वो बिजनेस में और लगा रहा है. अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी. नाउ से फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है. दैट इज अवर अकाउंटिंग है. पार्टनर ने यहाँ पर 60,000 रुपीज़ कैपिटल लगा रखी है इस जगह. फिर उसने 1 अक्टूबर को उसने 10,000 बिजनेस में और लगा दी. अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके. एक तरीका ये है कि इस 160,000 पर हम पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएं. क्यों? क्योंकि 60,000 पूरे 12 महीने उसकी कैपिटल थी, पूरे 12 मंथ्स का लगाएं इंटरेस्ट. और इस 10,000 पर हम 6 मंथ्स का लगाएं और फिर इन दोनों इंटरेस्ट को हम जोड़ दें तो हमारा वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा. एक तरीका ये, मतलब इस 10,000 पे 6 मंथ्स का और इस 60,000 पे 12 मंथ्स का लगा के हम दोनों को ऐड कर दें. एक तरीका ये. दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर देख लें कितने महीने कौन सी कैपिटल थी. 60,000 कैपिटल 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक थी. 6 मंथ 60,000 कैपिटल थी. फिर उसने जब 10,000 और लगाया तो बाद के 6 मंथ्स में उसकी कैपिटल हो गई 70,000. तो हम दोनों मेथड से एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं. इंटरेस्ट अलग अलग निकालता हूँ, 60,000 पर पूरे ईयर का और फिर बाद में जो हमारी 10,000 कैपिटल उस पर 6 मंथ्स का. तो 60,000 एंड से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. आईओसी का जो रेट मैंने लिया है यहाँ पे से 12% पर एनम मैं ले रहा हूँ. तो 60,000 के ऊपर मैं अगर 12% इंटरेस्ट निकालता हूँ तो ये मेरा आ गया 7,200. और 10,000 फिर उसने लगाया है और 10,000 हमने यूज़ किया है 6 मंथ्स, तो 10,000 पे हम 6 महीने का फर्म देगी इंटरेस्ट. तो 10,000 के ऊपर 12% से 6 मंथ्स का 6/12 या 1/2, तो 12% से 1200 एंड देन दैट इज जो है हमारा आ गया वो 600 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 7,800. दिस इज वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट जिसमें हम इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं. 60,000 पर अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, 10,000 पर अलग कैलकुलेट कर रहे हैं. एक दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखें कि कितने महीने कैपिटल रही उस पार्टनर की और उसके हिसाब से हम निकालें. तो 60,000 यहाँ उसने लगाया और 60,000 में यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स और फिर यहाँ उसकी कैपिटल बढ़ के हो गई 70,000. तो 70,000 पर फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट. तो हम क्या कर रहे हैं, 60,000
पर हम 12% से 6 months का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और फिर हम 70,000 पर 12% से फिर 6 months का निकाल रहे हैं। अब हम ये इंटरेस्ट देखते हैं, ये दोनों इंटरेस्ट हमारे सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 12% निकालते हैं इसका, तो दैट इज 7,200, और 6 months का निकालेंगे तो 3,600। एंड देन इस 70,000 पे अगर हम 12% निकालते हैं, ठीक है, दैट इज 8,400 एंड हाफ ऑफ दैट इज 1,200। और अगर मैं इनका टोटल निकालता हूँ तो देन टोटल इज कमिंग टू 7,800। मतलब मेरा आंसर दोनों ही केस में सेम आ रहा है। हमने 60 का पूरे ईयर का निकाला और फिर 10,000 का 6 months का निकाल के ऐड कर दिया। दूसरा तरीका हमारा ये था कि हमने 60,000 पे 6 महीने का और 70,000 पे 6 months का, तो हम दोनों ढंग से निकाल रहे हैं, हमारा आंसर सेम आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं। अगेन आवर अकाउंटिंग ईयर से फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो है 31 मार्च 2020 तक, दिस इज आवर अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे अब मैं कैपिटल दो बार चेंज करूंगा, सो दैट देर आर 3 कैपिटल्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 3 कैपिटल रहेगी। पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे 60,000 थी 1 अप्रैल को, पार्टनर ने 1 जुलाई ले लेते हैं, 1 जुलाई 2019 को बिजनेस के अंदर 10,000 और लगाए, तो पार्टनर की 60,000 थी, 10,000 लगाए 1 जुलाई को 10,000 लगाए, तो उसकी कैपिटल होगी 70,000। फिर पार्टनर ने यहाँ पे, मैं काम करता हूँ 1 जनवरी 2020 को, उस पार्टनर ने बिजनेस से 20,000 रुपीज निकाल ली, तो कैपिटल चेंज हो रही है। पहले 60,000 थी, फिर बढ़ के हो गई 70, फिर घट के हो गई 50,000, फिर एंड ऑफ द ईयर तक चल रही है 60,000 3 months, फिर उसकी बढ़ के हो गई 70,000। तो 1 जुलाई से 1 जनवरी तक, मतलब 6 महीने उसकी कैपिटल रही 70,000, फिर उसने 20,000 निकाल लिया, तो बाकी के 3 महीने उसकी कैपिटल घट के हो गई 70 से 50, तो ऐसे कैपिटल चेंज हो रही है। अब मैं तीनों की अलग अलग निकालने वाली, पहले सेपरेटली हम इंटरेस्ट सेपरेटली निकालते हैं। अगर मैं सेपरेटली इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं 60,000 जो यहां पे है कैपिटल, यहां से यहां तक इस 60,000 पर मुझे 12 मंथ्स का निकालना है। एक काम करते हैं, लेट मी मेक इट लाइक दिस, ऐसे करते हैं, इस 20,000 पे फर्म माइनस कर देगी इंटरेस्ट, उससे लेगी, उसने निकाला है 3 महीने का, ये माइनस की फिगर है, लिया जाएगा उससे, तो उसने निकाल लिया पैसा। इस 10,000 पे यहां से यहां तक फर्म 9 months का उसको इंटरेस्ट देगी, 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई से 31 मार्च, 17 9 months का इंटरेस्ट उसको देगी। और फिर ये जो 60,000 है इस पे यहां से यहां तक वो 12 months का इंटरेस्ट देगी। तो मैं सेपरेटली इंटरेस्ट निकालता हूं, तो 60,000 के ऊपर हम निकालते हैं 60,000 पर 12%, 12% रेट ही ले रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी रहे, हमको मेथड समझना है, अभी हम परसेंटेज में नहीं उलझेंगे। तो 60,000 पे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला हमने, तो दैट इज 7,200। 10,000 पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, एक काम करें, मुझे दोनों मेथड समझानी है, तो 60,000 के ऊपर 12%, दैट इज 7,200, फिर 10,000 पर 12% फॉर 9 months का इंटरेस्ट, तो ये आ रहा है 900 रुपीज। 20,000 निकाल लिया 1 जनवरी को, सो 20,000 इंटू 12% एंड देन ये इंटरेस्ट अभी माइनस करना है 3 months का, तो ये हमारा आ रहा है 600 रुपीस। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हमारा टोटल है 8,100 माइनस 600, तो ये आंसर है 7,500। तो जब हम सेपरेटली इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 7,500, जिसमें 60,000 पे पूरे साल का हमने निकाला,
10,000 के ऊपर हमने 9 months का निकाला और हमने 20,000 पे 3 months का उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 7,500। अब हम दूसरी मेथड से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, जहां पे हम देखेंगे कि कौन सी कैपिटल कितने मंथ थी उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 60,000 उसकी कैपिटल 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक थी, तो कितने महीने थे यहां से यहां तक, दैट इज 3 months, ये 3। अब मैं इसको मिटा देता हूं, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। ये उसकी कैपिटल हो गई है 60,000 3 months के लिए। फिर उसने 1 जुलाई को 10,000 और लगा दिया, तो उसकी कैपिटल हो बढ़ के हो गई 70,000 एंड दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 जनवरी, दैट इज फॉर 6 months, 6 महीने कैपिटल हो गई उसकी 70,000। फिर उसने 20,000 निकाल लिया उसमें से, तो अब उसकी कैपिटल हो गई है 50,000 एंड देन दिस 50,000 इज फॉर नेक्स्ट 3 months। तो हम क्या देख रहे हैं, उस पार्टनर ने, जिस पार्टनर का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, 3 महीने उसकी कैपिटल 60 थी, फिर 6 महीने 70,000 थी, फिर 3 महीने 50,000 थी। अब मैं इस हिसाब से अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना होता है, तो 60,000 के ऊपर 12% से 3 months का निकालेंगे, फिर हम 70,000 के ऊपर 6 months का निकालेंगे 12% से, फिर हम 50,000 के ऊपर 3 months का निकालेंगे 12% से। नाउ लेट अस सी दिस। तो अगर हम 60,000 पे निकाल रहे हैं तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 1,800। फिर हम 70,000 पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 4,200। पे हम निकाल रहे हैं तो ये जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज 1,500। नाउ इफ वी ऐड देम ऑल तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जा रहा है 7,500। तो हम क्या देख रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट हम सेपरेटली निकालें पूरे ईयर के हिसाब से, या इंटरेस्ट हम उतने मंथ वाइज निकालें जो कैपिटल जितने मंथ थी, तो दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हमने दोनों दो क्वेश्चंस किए इस मेथड से। एक और शॉर्टकट मेथड आपके सिलेबस में है और जो एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जो हमारी प्रोडक्ट मेथड है वो इस अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इस अप्रोच को हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे कि ये जो इस अप्रोच में कौन सी कैपिटल कितने मंथ थी, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इफेक्टिव कैपिटल। कितनी कैपिटल कितने मंथ थी, मंथ वाइज जो हमने कैपिटल लगा रखी है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालते हैं, दैट इज द इफेक्टिव कैपिटल। हम इस मेथड को एक यही जो क्वेश्चन है इसको हम समझेंगे कि इसी को अगर हम प्रोडक्ट मेथड से करें तो हम कैसे करेंगे। 6 months का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 12% से और फिर हम 50,000 के ऊपर 3 months का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 12% से। ये 3 कैपिटल्स थी थ्रू आउट द ईयर, इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट मेथड से यूज करना है। चीज आप देखेंगे कि देयर इज सम सर्टेन थिंग्स आर कॉमन, कुछ कॉमन चीजें हैं। कॉमन क्या क्या है, ये 12% कॉमन है, हर एक को हमने 12% से मल्टीप्लाई किया, 12 by 100। दूसरी हमारे पास कॉमन चीज क्या है, डिवाइडेड बाय 12 months। अनकॉमन क्या क्या है, अनकॉमन है अमाउंट और ए मंथ, अमाउंट और ये मंथ, अमाउंट और ये मंथ। अब जो जो कॉमन चीजें हैं अगर मैं उसका अलग कर लूं और एक साथ करता हूं तो हम क्या करें, इसके अंदर ये हटा देते हैं एक बार के लिए 12%, ये 12 से जो हमने डिवाइड किया ये भी हम हटा दें, अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, 60,000 टू 3 दैट इज 1,80,000, 70,000 टू 6 4,20,000, 50,000 टू 3 1,50,000, इसको हम टोटल निकाल लें।
7,50,000। अब मुझे आईओसी निकालना है, तो 7,50,000 के ऊपर जो हमने 12% से मल्टीप्लाई किया था वो मैं 12 यहाँ लगा दूंगा, और जो हमने डिवाइड बाय 12 किया था वो भी मैं 1/12 यहाँ कर दूंगा। तो जो कॉमन चीज़ें थी वो अलग अलग करने के बजाय मैंने एक साथ नीचे कर दी। तो 7,50,000 इंटू 12% इंटू 1/12 मेरा आंसर आ जाएगा 7,500। तो दिस इज वॉट वी हैव एज अ प्रोडक्ट मैथड विच वी हैव टू यूज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, अमाउंट लिया, मंथ्स, एंड देन वी टेक द प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने यहाँ पे 12% जो रेट है वो हमने रेट यूज किया है, और इसको हमने 12 से डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया, वन मंथ का, यहाँ पे हम वन मंथ का लेंगे, वन मंथ का क्यों, क्योंकि हमको 12 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मंथ्स ले लिया ऑलरेडी, हमको यहाँ 12 मंथ्स जो लेना था वो हमने यहाँ नहीं लेके यहाँ लिया। तो चूंकि हम यहाँ पे मंथ्स नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1/12 ले लिया इंस्टेड ऑफ टेकिंग मंथ्स ऑन ऑल द प्लेसेस। तो यहाँ पे इसलिए कई बार कहा जाता है कि प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोडक्ट पे वन मंथ, एक महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ से हमने ऑलरेडी उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि ये जो टोटल आता है प्रोडक्ट मेथड में, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। अब ये इफेक्टिव कैपिटल का हमें आगे और यूज आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव कैपिटल हम निकालते हैं, और इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर हम 12 जो रेट है उस रेट से वन मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, वी गेट द आईओसी। और इस इफेक्टिव कैपिटल का और भी यूज है, तो हम आगे बात करते हैं उस बारे में। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर कर लेते हैं। सो दिस इज वॉट वील यूज प्रोडक्ट मैथड। मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हम हर मंथ के हिसाब से कैपिटल जितनी बार चेंज होगी हम उतनी बार कैपिटल निकालेंगे, वो कैपिटल जितने मंथ थी वो मंथ हम निकाल लेंगे। आपको डेज वाइज चेंज करने के इतना नहीं देंगे, कॉम्प्लिकेटेड अगर ज़्यादा ज़्यादा 0.5 डे ऑफ द मंथ है या 16th डे, तो यहाँ 0.5 लग जाएगा, ठीक है, दैट इज ओके, 0.5 लग जाएगा। और फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे, उस टोटल के ऊपर हम 12% से निकालेंगे। बाकी और डेज में कैपिटल आपको चेंज नहीं देगी, क्योंकि वो कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। बाकी अप्रोच यही है, यहाँ पे अगर मैंने 12 मंथ से डिवाइड किया है, अगर हम डेज लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा। तो चूंकि आप कैलकुलेटर यूज़ करना आपको अलाउड नहीं है CBSE में, तो इट इज़ प्रिफर्ड कि CBSE आपको कैलकुलेशंस में नहीं उलझाए, बट यू शुड नो द मेथड टू कैलकुलेट इट। आपको अप्रोच मालूम होना चाहिए। तो हम मंथ से मल्टीप्लाई करके हम 12 से, दिस इज वॉट वी डू, एंड देन दिस अमाउंट जो प्रोडक्ट का टोटल है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। ओके, नाउ वील सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द शीट। हम शीट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दिस इज शीट नंबर 12। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। विल ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन भी आप ट्राई करें, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी, ए बी के कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है 50,000 और 30,000। फिर 1st of August को ए ने 10,000 और इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और फिर 1st of January 2020 को बी ने 6,000 बिजनेस से निकाल लिए। वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हो रहा है 31st March 2020 को। तो ए और बी हमें दोनों को निकालनी है, तो दोनों के लिए हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी पड़ेगी और हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में 1st अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000, एंड देन 1st August को ए ने उस कैपिटल को बढ़ा के 10,000 कर दिया, एंड 1st of January को बी ने 6,000 से अपनी कैपिटल कम कर दी है। 12% इंटरेस्ट है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द आईओसी। क्वेश्चन नंबर 3। तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द शीट नंबर 12। इसमें दो पार्टनर्स है, तो दोनों की हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी पड़ेगी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट।
यहाँ पे 1 अप्रैल 19 ए की कैपिटल है 50,000। हम सिर्फ ए की बात करें तो उसने 1 अगस्त को उसने अपनी कैपिटल को कर दिया 60,000। तो ए की कैपिटल ये दो थी, 50,000 एंड 60,000। बी की भी मैं लिख लेता हूं, फिर सारा कैलकुलेशन एक साथ कर देंगे। बी की 1 अप्रैल 19 को कैपिटल थी 30,000 और बी ने 1 जनवरी को 6,000 उसमें से निकाल ली, तो उसने अपनी कैपिटल कर ली 24,000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मंथ्स एंड देन वी मेक द कैलकुलेशंस। मंथ्स निकालेंगे और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। तो ए की 50,000 कैपिटल थी 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, तो कितने महीने उसकी कैपिटल थी? 4 महीने। फिर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? दैट वुड बी 8 मंथ्स। हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन 12 मंथ्स है, इसका टोटल 12 आना चाहिए। तो हम चेक कर ले सकें अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को चेंज हो गई है। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 8 मंथ्स। तो ये 8 मंथ्स, 50,000 इंटू 4, दैट इज कमिंग टू 2 लाख, 60,000 इंटू 8, 4,80,000। सो ये टोटल आ रहा है 6,80,000। अब मुझे आईओसी ऑफ ए निकालना है। 6,80,000 के ऊपर मैं 12% से, प्रोडक्ट मेथड है, मंथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालूंगा। ये 12% होना बड़ा आसान है, 12 कट गया, 0 ये 2 उड़ाए यहाँ पे हमने, तो 6,800 इंटरेस्ट आ गया ए का। अब हम बी की बात करते हैं। बी की कैपिटल 1 अप्रैल के बाद चेंज हो रही 1 जनवरी को, तो ये तो 30,000 कितने महीने तक रही उसकी कैपिटल? 9 मंथ्स। 1 जनवरी को उसने 24 कर दिया, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 24,000 कितने महीने रही? 3 मंथ्स। सो 9 × 3 = 27, दैट इज 2,70,000। फिर 24,000 इंटू 3 = 72,000, इसका हम एड अप कर लें तो इफेक्टिव कैपिटल जो हमारी बी की आएगी, दैट इज 3,42,000। तो मुझे अगर आईओसी ऑफ बी निकालना है तो 3,42,000 इंटू 12% इंटू 1/12, सो दिस इज गॉन देयर, तो दिस इंटरेस्ट इज 3,420। ये आईओसी आ गया बी का। तो इस ढंग से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जितनी बार कैपिटल चेंज हो रही उतनी बार उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है, उनकी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर 6,432 दी है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8,000, उन्होंने 8,000 का प्रॉफिट अर्न किया था जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हम वो प्रॉफिट लेस करेंगे डिवाइड करके। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की है, फिर उनकी ड्राॅइंग्स भी दे रखी है, और फिर उन्होंने आईओसी निकाला है 10% से। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्टनर्स हैं, दोनों की पहले हमें ओपनिंग निकालनी है फिर आईएफसी निकालना है। तो पहले एक एक पार्टनर ले लेते हैं, एक की ओपनिंग निकालते हैं फिर एक का आईएफसी निकाल लेते हैं। तो सो दैट आई हैव स्पेस हियर, मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। तो पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, एक की ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। ए की कैपिटल हमें जो क्लोजिंग दे रखी है दैट इज
क्लोजिंग कैपिटल, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे मैंने क्या किया है। क्लोजिंग कैपिटल इज 64,000, प्रॉफिट है पार्टनर्स का 8,000 जो 3:2 के रेशियो में बटा है, तो इसके अंदर हम प्रॉफिट जोड़ा होगा हमने क्लोजिंग में, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को लेस करते हैं। हम प्रॉफिट को लेस करेंगे, 8,000 उसका है तो 8,000 का कितना हुआ, दैट इज 4,800, तो 4,800 हम माइनस कर देंगे, 64,000 में 4,800 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 59,200। देन उन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद उन्होंने लोगों ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ए ने लगाई थी 3,200, बी ने लगाई थी 1,600, तो ये क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है, वो भी हम माइनस कर दें, एडिशनल कैपिटल 3,200, तो दिस इज कमिंग टू 56,000। फिर उन्होंने की ड्राइंग्स दे रखी है कि ए ने 8,000 बिजनेस से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स को हम ऐड करेंगे, तो ए की ये 64,000 ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो बाय चांस हम क्या देख रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल ए की और ए की ओपनिंग कैपिटल दोनों हमारी सेम आ रही है, तो ओपनिंग कैपिटल, तो ए की पहले कैपिटल थी 64,000 की। फिर क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर 6 मंथ्स उसने 3,200 लगाए, आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसका मतलब ये कैपिटल उसकी 6 महीने रही, 3,200 और लगा दिए तो वो हो गई 67,200, तो 64,000 6 मंथ्स, फिर 67,200 6 मंथ्स। नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ये अमाउंट हो गया, ये मंथ्स हो गया, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, 3,84,000, तो ये मैं साफ साफ लिख देता हूँ, अब मैं इसका टोटल अगर निकालता हूँ, दैट इज द इफेक्टिव कैपिटल ए की कितनी आ रही है, 7,87,200। अब मुझे आईओसी निकालना है ए का 10% से, तो आईओसी ऑफ ए 7,87,000 इंटू 10% इंटू 1/12, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द आईओसी ऑफ ए। तो ये अमाउंट जो हमारा आ रहा है, ₹6,05,58.33, ये हो गया हमारा ए का। यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल भी माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन जब हम आईओसी लेंगे तो इस एडिशनल कैपिटल को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, तो विल कंसिडर दिस। इसी ढंग से आप इस क्वेश्चन में बी का भी ट्राई करें, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी पार्टनर्स हैं, स्टार्ट किया 1,80,000, ड्यूरिंग द ईयर ए ने इंट्रोड्यूस किया 20,000 एडिशनल कैपिटल, और उन्होंने 2,000 पर मंथ, दोनों पार्टनर्स 2,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। ये ड्राइंग्स है, दिस इज नॉट कैपिटल विदड्रॉन। मैंने आपको जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला हमारा डिस्कशन था उसमें बताया था, कैपिटल निकालना और ड्राइंग्स दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम आईओसी निकालते हैं तो हम कैपिटल विदड्रॉन को कंसिडर करेंगे, हम ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे।
अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला है, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, उस ड्राइंग्स को हम आईओसी निकालने में कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ अगर पार्टनर कैपिटल निकालता है तो आईओसी निकालने में हमें उसको एडजस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें, उसने परमानेंटली लिखा हुआ, उसने कैपिटल निकाली है तो हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो ड्राइंग्स कर रहे हैं 2000 पर मंथ की, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 7 में भी उन्होंने 500 रुपीज़ पर मंथ अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाला है, इसको हमें नहीं देखना है। जो 10,000 एडिशनल कैपिटल है हमें उसको कंसिडर करना है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम इसके अंदर सिर्फ कैपिटल विड्रॉल को माइनस करें कैपिटल में, और ड्राइंग्स को हम माइनस नहीं करेंगे, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अलग से लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू एडजस्ट दीज क्वेश्चंस। तो आप ये 1 to 7 क्वेश्चंस जो हैं हमने जो कर लिए क्वेश्चंस वो ठीक हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन शीट नंबर 12 इज ऑन कैपिटल रेशियो। अब हम इस कैपिटल रेशियो को समझते हैं कि हमें कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। आपने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसके अंदर हमने प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से बांटा है, बाकी अगर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम उसको कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक सिंपल सा केस ले रहा हूं मैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल 3 लाख है और बी की कैपिटल 2 लाख है। तो अगर मुझे इनका कैपिटल रेशियो निकालना है तो इनका कैपिटल रेशियो हो जाएगा 3:2। इसी ढंग से अगर ए की कैपिटल 5 लाख है एंड बी की कैपिटल 4 लाख है तो इनका कैपिटल रेशियो हो जाएगा 5:4। दिस इज हाउ वी डू इट। बट अब हम ये देखते हैं कि अगर कैपिटल पार्टनर्स की चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे साल ए की 5 लाख है, पूरे साल बी की 4 लाख है, तो 5:4 हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज हो रही तो हम कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। देयर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 को ए और बी की कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है, और फिर उसने 1st ऑफ जुलाई को ए ने अपनी कैपिटल को 6 लाख कर दिया, 1 लाख बढ़ा दिया। एंड देन ऑन 1st जनवरी 2020 को बी ने 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल में और बढ़ा दिए, तो उसने अपनी कैपिटल को यहां पे 6 लाख कर दिया। अब ऐसे केस में हमारी कैपिटल रेशियो क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो रही है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो कैपिटल रेशियो है वो बेसिकली इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो है। हमको इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है दोनों पार्टनर्स के जो, और इफेक्टिव कैपिटल का जो रेशियो होगा वही कैपिटल रेशियो होगा। तो यहां पे हम कैसे करेंगे, मैं यहीं पे निकालने की कोशिश करता हूं इफेक्टिव कैपिटल। ए की हम बात करें, ए की कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गई है, 5 लाख कितने महीने रही, 3 मंथ्स। तो ए की इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे 5 लाख इनटू 3। फिर ए ने अपनी कैपिटल कर दी 6 लाख और उसकी कैपिटल 6 लाख थी 9 मंथ्स, तो ये हो गया उसका 15 लाख टोटल एंड ये हो गया 54 लाख। तो ए की जो इफेक्टिव कैपिटल आएगी दैट इज 69 लाख। अब हम बी की बात करें, बी की कैपिटल पहले थी 4 लाख, फिर उसने अपनी कैपिटल कर दी 6 लाख, तो ये जो 4 लाख कैपिटल थी ये उसकी 9 मंथ्स थी, उसने 1st अप्रैल के बाद 1st जनवरी को चेंज किया तो 9 मंथ्स थी, और उसने 6 लाख थी 3 मंथ्स, ठीक है, तो ये हो गए इसकी 36 लाख एंड देन दिस इज 18 लाख। इनको सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 54 लाख आ गए। तो ऐसे हम प्रोडक्ट मेथड से इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे, और जो इफेक्ट हम क्या करते थे इंटरेस्ट में क्या करते थे, आईओसी जब निकालना होता तो इफेक्टिव कैपिटल पे 1 महीने का रेट लगा के इंटरेस्ट निकाल देते थे। तो जब हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं तो जो इफेक्टिव कैपिटल है उसका जो रेशियो है वही हमारी जैसे 69:54 हम इसको और रिड्यूस जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं उतना हमको कर लेना चाहिए। तो ये
तो ये हमारा हो गया आउटकम के 23:18। तो ये जो 23:18 है ये इनकी कैपिटल रेशियो हो जाएगी। तो व्हेन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स चेंज, तो आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है और इफेक्टिव कैपिटल का जो रेशियो है वही कैपिटल रेशियो। तो ये दो चीज हमने देखी है अभी शीट नंबर 12 में। वन इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द अदर इज इफेक्टिव कैपिटल। तो ये शीट नंबर 12 आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं। शीट नंबर 12 में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब पार्टनर्स फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों हैं, तो इंटरेस्ट हम सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे देते हैं, करंट अकाउंट के बेसिस पे हम इंटरेस्ट नहीं निकालते। चीज और पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स वाला पॉइंट। हम थोड़ा सा IOC में उसका क्या इफेक्ट है वो एक बार हम थोड़ा सा और समझ। अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल एंड देन इट इज 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर। पार्टनर की यहाँ पे कैपिटल 5 लाख है और पार्टनर ने यहाँ पे 1 जुलाई को 50,000 रुपीज बिजनेस में से कैपिटल निकाली और अपने पर्सनल यूज के लिए उसने से 1 जनवरी को उसने बिजनेस में से 10,000 रुपीज ड्रॉइंग्स की। अब हम इसका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी डू दिस, उसको समझने के लिए आप एक चीज ये समझें कि ये 5 लाख उसकी कैपिटल, यहां से यहां तक उसकी कैपिटल 5 लाख है 1 अप्रैल से 1 जुलाई, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। और जब हम यहां पे उसने 50,000 निकाल दिया तो यहां से यहां तक उसकी कैपिटल है 4,50,000 एंड दैट इज फॉर 9 मंथ्स। जब हम IOC निकालेंगे तो IOC निकालने में जो ड्रॉइंग्स है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस हमें उसको कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ कैपिटल को देखना। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैपिटल निकाल रहा है कि वो ड्रॉइंग कर रहा है, हम कैसे कैंसिल करें। तो उसके लिए 2-3 टिप्स है। एक तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाला गया तो आप इसको ड्रॉइंग्स मानेंगे। अगर बोला जाए विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया तो आप इसको ड्रॉइंग्स मानेंगे। अगर कैपिटल विड्रॉल बोला गया या परमानेंटली विड्रॉल बोला गया कि उसने परमानेंटली पैसा निकाल दिया या उसने कैपिटल निकाल ली है, देन दिस का इसका मतलब है उसने कैपिटल विड्रॉ की है और इसका इफेक्ट IOC पर पड़ेगा। इन चीजों का जो ड्रॉइंग्स है इसका IOC पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर हम IOD कैलकुलेट करेंगे और IOC फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है 3 मंथ्स उसकी 5 लाख कैपिटल थी, फिर 9 मंथ्स 4,50,000 हुई और इस 10,000 जो उसने 1 जनवरी को निकाला है इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट फर्म उससे अलग से लेगी। कहने का मतलब है अगर कैपिटल आप निकाल रहे हैं तो कैपिटल निकाल रहे हैं तो वो IOC कैलकुलेशन में माइनस होगा, लेकिन अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो ड्राइंग्स पे माइनस कुछ नहीं हो रहा है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म आपसे अलग से ले रही है, तो इसको हम कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे ड्राइंग्स को, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो कोई भी मेथड हो। तो IOC निकालते समय में ध्यान रखना है कि हमें एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को ही कंसिडर करना है, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला गया है वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हमने आज एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझा,
और हमने ये देखा कि हम अगर कैपिटल्स पार्टनर्स की चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर हम कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो दूसरे मैंने बताया था कि हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं और उसका रेशियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी प्रोडक्ट मेथड यूज होता है एंड उसके भी कई कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके पास 12 शीट तक हमने कर लिया है, तो आप लोग सब लोग 12 शीट तक कंप्लीट करें, और ये मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ जिससे कि आप अपने टाइम से अपने हिसाब से देख सकें। जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो सबको उसमें नहीं हो पाते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन है, आप देखिए उसको और शीट्स को सॉल्व कीजिए। कभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कभी कभी मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ बिकॉज मैं भी कुछ काम करता रह रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेहिचक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कभी बिजी हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा मैं आपको कॉल बैक करूँ, तो डोंट हेजिटेट, कॉल मी और यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम में आप मैसेज मुझे भेज दीजिए, मैं जैसे जैसे देखता जाऊँगा मैं आपको भेजता जाऊँगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे और जो आप सोल्यूशन मांगते हैं वो भी मैं दे दूंगा। लेकिन आप शीट सॉल्व करते रहें, अपना टाइम पर इफेक्टिव यूज़ कीजिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।